दोस्तों हम आज आए हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लोहाघाट में। आज हरेला के शुभ अवसर पर वृक्षारोपण होना है, जिसमें तकरीबन 50 वृक्ष यहाँ आपको वृक्षारोपण होना है, जो कि इसकी पहल हमारे बड़े भाई श्री राजेंद्र गट्टूटी जी द्वारा की गई है, जो समाज सेविक हैं। और यहाँ पर को जो है काफ़ी नगर के जागरूक व्यक्ति लोग आए हुए हैं, और हर विद्यालय से बच्चे लोग और विद्यालय स्टाफ यहाँ को जो है वृक्षारोपण में मदद कर रहे हैं। और अभी जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर आने वाले हैं वृक्षारोपण करने के लिए। इसी बीच नगर पालिका अध्यक्ष बड़े भाई श्री गोविंद वर्मा जी भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके थे। इसी के साथ वृक्षारोपण का कार्य शुरू हुआ और सभी स्कूल के विद्यार्थियों गुरुजनों ने मिलकर जो है यहाँ पर 50 वृक्ष का रोपण किया। ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? नहीं क्लास फिफ्थ क्लास के। हरेला पर्व पर बच्चों के द्वारा स्थानीय विभिन्न विद्यालयों के बच्चे उनके द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, और इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, और उसके साथ ही साथ विद्यालयों में इको क्लब के माध्यम से भी इन वृक्षों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है। और पर्यावरण के इस पर्व पर मैं सभी बच्चों से ये अपील करूँगा कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रयोग को न्यूनतम करने के लिए, मना करने के लिए, कम करने के लिए अपने स्थानीय स्तर पे गांव में आसपास जागरूकता फैलाएं, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। मैं हूँ बड़े भाई हमारे समाज सेवक श्री राजू गड़कोटी जी के साथ, तो इनसे हम जो है इस पर्व के लिए एक संदेश जो है वृक्षारोपण का लेना चाहते हैं कि ये विचार इनके ख्याल में कहाँ से आया और अच्छी पहल और इसके क्या फायदे होंगे कुछ। मैं विगत 7 साल से जनपद में वृक्षारोपण का कार्य कर रहा हूँ। मेरा एक निजी विद्यालय संचालित होता है बाराकोट में, वहाँ पर मेरे द्वारा 150 पेड़ों को संरक्षित किया गया विद्यालय के माध्यम से। डिग्री कॉलेज के नीचे भी हमारे को द्वारा कमल राय जी अध्यापक हैं, उनके सानिध्य में हमने इस कार्य को किया है। वहाँ पर लगभग 350 पेड़ हमने ट्री गार्डों को भी स्थापना की है। हमारा उद्देश्य है कि हम लोहाघाट नगर को भी हरा भरा बनाएं और लोहाघाट नगर के आसपास जितने भी वृक्ष हैं इनको लगाने के साथ साथ इनके संरक्षण पर भी हम कार्य करेंगे। और आप एक संदेश देना चाहें हरियाली को लेके, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह चल रही है उसमें भी काफी अच्छी पहल है। हमारा सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्तर से जितनी खाली जमीन कहीं पर भी मिलती है हम कोई भी एक हरा भरा पेड़ लगा दें, जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकें। धन्यवाद। जैसा कि अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अनचाहा गर्म, अनचाही बारिश और अनचाहा ठंडा होता है, हद से ज़्यादा होता है, उसको रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं पर हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा। और आजकल जो है एक काफ़ी अच्छे पौधे मिलते हैं जो फलदार होते हैं, और साथ ही साथ जो है हमारे ग्लोबल में जो है काफ़ी अच्छी पानी की रिसोर्सेज पैदा करते हैं और जो है एटमॉस्फेयर को ठंडा बनाते हैं। हम लोगों ने ऐसी पहल करनी चाहिए और सभी ने अपने घर आंगन में एक पेड़ लगाना चाहिए, भले ही आप पहाड़ में हैं तो माल्टा, संतरा, नींबू या किसी भी चीज़ का फलदार वृक्ष दें, क्योंकि धूप में अभी यहाँ काफ़ी धूप थी तो हम भी जो है छाया में जाके खड़े हो रहे थे उन्हीं पेड़ के नीचे जो किसी बुजुर्गों ने हमारे लगाए थे। तो आप लोगों से भी अपील रहेगी कि आप लोग भी पेड़ लगाएँ। अब हम एक संदेश लेते हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बीच में नगर पालिका अध्यक्ष बड़े भाई श्री गोविंद वर्मा जी, साथ में जो है श्री चंद्रशेखर जोशी जी माननीय, और इनसे भी एक संदेश हम जो है आप लोगों के लिए देना चाहते हैं जो वृक्षारोपण है और हरेले पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, और इसके क्या फ़ायदे रहेंगे। विगत कई वर्षों से हरेला पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है, और हरेला पर्व आते ही एक वृक्षारोपण का अभियान चलता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पर्यावरण हित में और अपने बच्चों के हित को देखते हुए एक एक वृक्ष सभी लोग लगाएं, जिससे हमारी प्रकृति हरी भरी रहे और हमारा पूरा क्षेत्र एक ग्रीन एंड क्लीन
शहर के नाम से जाना जाए। धन्यवाद। मेरी उनसे भी अपील रहेगी, जो लोग पार्टी वगैरह करने जंगलों में जाते हैं और अपने साथ ले गया वेस्ट वहीं छोड़ आते हैं, हम भी जाते हैं पार्टी वगैरह करने, लेकिन हम जो है अपने साथ में ले गया वेस्ट, जो भी कचरा बचता है, थैली हो या प्लास्टिक की बोतल वगैरह, ग्लास वगैरह जो भी हो, हम उनको साथ में लाते हैं और जो पास में कूड़ेदान दिखता है वहाँ पर उसको डालते हैं, क्योंकि वहाँ से वह रिसाइकल होने जाता है या जो भी अग्रिम कार्रवाई होती है वह वहाँ की नगर पालिका व जो भी होता है ग्राम पालिका के सौजन्य से आगे बढ़ाया जाता है। आप लोगों से भी अपील है कि कम से कम कूड़ा फैलाएँ, कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। और इसी के साथ वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।